हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो अभी तो बारिश है नहीं, इसलिए काम तो वैसे बाहर जाने का है, खेत में है, सब कुछ काम है, जो वर्क है वो चालू होगा आज के दिन में। बारिश के साथ ही के बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो सब किसानों के लिए अच्छा है। वैसे हमारे गांव में इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं थी, लेकिन आजू बाजू के गाँव में अच्छी थी, वावड़े भी हो गई तो इतना अच्छा है। तो चलिए करते हैं हम लोग, किस तरह जो भी हो सकेगा वो मैं बनाऊंगा। कोई डिसाइड नहीं किया है कि आज क्या होगा, लेकिन जो भी हो सके वो मैं बनाऊंगा। ये यहाँ पर अभी घास निकालना चालू किया है वर्कर्स ने। वैसे दो खेत कंप्लीट कर दिए हैं, ये वाला वो वाला। आज बारिश है नहीं, खेत सूख गया है, परसों बारिश हुई थी, पर इतना घास है भी नहीं। जो लाइन के बीच में होता है ना वही निकालते हैं, और जो बीच में जगह होती है ना मूँगफली, वहाँ पर तो साथ ही चल जाएगा, आपको मैंने आगे भी बताया है। तो दो खेत कंप्लीट हो चुके हैं, आज शुरुआत की थी, क्योंकि इतना है नहीं इसलिए जड़प से खेत खाली हो रहे हैं। अभी ये वाले खेत में ये देखो, अभी सूखा चारा, ये वो जो चारा है ना जुआर का, वो डाला है। तो देखो उसके ऊपर बैठ गई, खाते तो नहीं है एनिमल, ऐसे ही बिगाड़ देते हैं। गमन पे आज नहीं बंधा क्योंकि यहाँ पर गीला था, इसलिए श्यामा को ही बांधा है। तो इतने ज़्यादा एनिमल है, कुल 12 एनिमल हो चुके हैं, छोटे बड़े सभी लेकर। तो इनके खाने का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। तो आज बारिश है नहीं इसलिए जाना है खेत पर बैलगाड़ी लेके। हाँ, वहाँ पे जो चारा है ना वो लाने लाने वाले हैं। मम्मी चाची जो है वो आगे निकल चुके हैं, हम वापस अभी जाएंगे पापा वो सब में भरने के लिए घास। तो जब बारिश हो जाती है ना तो घास बहुत ज़्यादा उग निकलता है, वो जो खेत की बॉर्डर होते हैं जिसको हम सेढ़ा बोलते हैं, वो जगह पे ज़्यादा घास ही घास होगा। बारिश अभी तो इतनी है नहीं, ज़्यादा बारिश होगी ना तब मैं आपको ज़रूर ब्लॉग में दिखाऊँगा। चलिए अभी वहाँ पर ही निकलेंगे। अभी थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, मैं और दीपक जा रहे हैं बाइक लेके भारी लेने के लिए। उसमें क्या है, पापा को बाहर जाने का मतलब कि खेत में जाने का हुआ, वो जो कल वर्कर के लिए हम घर बना रहे थे ना उसमें आज पत्र नए लाए हैं, वो डलवाने के लिए जा रहे हैं। पापा भी है, जयेश भाई भी है वहाँ पर, तो मैं और दीपक बाइक लेके भारी लेने के लिए जा रहे हैं। दो तीन भारी बाइक से ही ले लेंगे। वैसे रास्ता सूख गया है क्योंकि बारिश परसों हुई थी, ऐसा रास्ता है अभी। तो ज़्यादा बारिश होती तो बाइक बिल्कुल भी नहीं चलती, यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। यह कच्चा रास्ता है, इसमें कोई पक्की मिट्टी डाली हुई नहीं है। दो तीन दिनों पहले यहाँ पर आए थे घास काटने के लिए, वही जगह है, तभी मूँगफली कहती थी, अभी कैसी है। ये बारिश हो गई ना तो अभी देखो एकदम से भागेगी। और ये खेत में तो हर साल इतनी बढ़िया ही मूँगफली होती, क्योंकि ये खेत पानी पानी बहुत ज़्यादा लेता है, इसमें लेजर लेवलर किया हुआ है ये वाला खेत, इसलिए पानी बहुत अच्छा लेता है ये खेत, उस हिसाब से इसमें उगा हुआ बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब भी बाढ़ आती है ना तो ये खेत में नुकसान ज़्यादा होता है मूंगफली को। इस साल देखते हैं, दो साल से तो बाढ़ आ रही है लेकिन इस साल देखेंगे। दो अभी तीन भारी का स्टॉक हो चुका है, दो यहाँ पर है, बड़ी बड़ी भारी है, बाइक में हमने बड़ी मेहनत से ली है। और तीसरी भारी देखो वहाँ पर अंदर डाली हुई है, क्योंकि वहाँ से भी वहाँ पर कोई एनिमल्स हो तो डायरेक्ट डाल सके। बाकी आज तो मस्त धूप निकली है, ये सब सूख गया है, घर बन के रेडी है। अभी पत्रे चढ़ा रहे हैं, नए लाए थे, कुल 6 पत्रे लाए थे जो कल बनाना स्टार्ट किया, आज घर बना दिया। अभी कल इसमें वाटर प्लास्टर करेंगे सीमेंट से। मैं आया था चाय देने के लिए घर से, जयेश भाई आए हैं हेल्प कराने के लिए। अभी ये दो पत्रे हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, फिर रेडी है। डबल नहीं चढ़ा होता फिर भी नहीं क्या खड़ी हो।
आज तो आकाश एकदम साफ है, आज बादल ही नहीं है, बिल्कुल एकदम मस्त वातावरण है अभी तो। दादी माँ भी खेत में से घूम के आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कमेंट रहती है कि आपका गांव कौन सा है, तो सोचो कि आज वापस बता ही देता हूँ। मैंने आगे कई बार ब्लॉग में बताया भी है मेरा गांव का नाम तालुका, आज एक बार वापस से सब कुछ बता देता हूँ। कई भाइयों की कमेंट आती है कि आपका गांव कौन सा है, तालुका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो गांव है बामणासा घेड़, जो तालुका पड़ता है केशोद और ज़िला है जूनागढ़। तो कई बार मैंने आगे व्लॉग्स में भी बताया है, लेकिन आज वापस से बता दो, कोई बात नहीं। आप कमेंट ज़्यादा इस बारे में ही आती है। और दूसरी कमेंट आती है कितनी ज़मीन है आपके पास, तो वो मैं एक व्लॉग स्पेशली उसका एक व्लॉग बनाने का मैं सोच रहा हूँ दादी माँ के साथ गुजराती में, इसलिए टाइम मिलेगा अभी वो व्लॉग बनाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट वही आती है कितनी ज़मीन है, तो वो मैं फिर तभी टाइम मिलने पर वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो ये कमेंट ज़्यादा आ रही थी गाँव की, तो सोचा कि आज बता ही देते हैं। तो ये है ना मूंग का जो वो डाठिया है, वो यहाँ पर पशुओं को खिलाने के लिए रखा था, लेकिन पशु तो हमारे खाते नहीं हैं क्योंकि इतना हरा हरा चारा होता है देखो, तो ऐसा तो फिर ऐसा तो खाएंगे ही नहीं, इसलिए अभी यह खाद हो गया है। बारिश भी हो गई अभी तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, खाद बन जाएगा वो तो कोई बात नहीं, खेतों में डाल सकेंगे। खाद बहुत ज़्यादा निकलता है, एक साल तक हम बनाते हैं यहाँ पर खाद होता है, फिर गेहूँ निकले या फिर तो अभी मूँगफली निकलेगी ना जब, तो ये निकल कर यहाँ से खेतों में डालना होगा। और सभी खेतों में तो ये पूरा नहीं होता इतना खाद, 15 ट्रैक्टर के आसपास होता है हर साल, सभी खेतों में पूरा नहीं होता, लेकिन जो भी हमारे कमज़ोर खेत होते हैं ना जिसमें फसल कम होती है तो उसमें डालते हैं। ये बाजू के सभी खेत में जाता है खाद, ज़्यादातर तो ये इतने में ही रहता है। तो जो भी कमज़ोर हो वो छाणियों खाद बोलते हैं ना ये, तो वो डालते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो रासायनिक खाद होता है वो डालने से तो ज़्यादा अच्छा यही है। अभी दीपक गया है ऊपर जामुन खाने के लिए। वैसे ये पेड़ का ध्यान रखना होता है, ये तुरंत ही टूट जाता है अगर पतली टहनी पे हम गए तो। आप लोग कमेंट करते हैं कि दीपक वीडियो में क्यों नहीं बोलता, उसको कुछ बुलवाओ, तो वो नहीं बोलता तो मैं क्या करूं। मैं तो कहता हूं कि वीडियो में कुछ बोलो, व्यूवर्स बता रहे हैं। ये है बैलों की जोड़ी हमारी, अभी तो कोई भी काम नहीं है, दो तीन दिनों से बारिश हो गई है इसलिए। हाँ ये दोनों की मस्ती मस्ती में लड़ाई हो रही है। वैसे दो दिन से नहीं चले तो इसलिए क्या है का जोर आ गया है, गुजराती में बोलूँ तो ताकत, मतलब कि ये से मस्ती करने का मूड है। अगर कल वापस वो चलने स्टार्ट हो जाएगा चलने को, इसलिए कल वापस थक जाएंगे तो आराम से खा कर बैठ जाएंगे। इतना कोई भारी काम में हम जोतते नहीं हैं, तो आपको पहले से ही पता है, ब्लेड में चलाते वो कोई भारी लगता ही नहीं। उसमें भी अब बारिश हो गई तो बिल्कुल भी अब तो भारी शायद मेरे सबसे नहीं लगेगा। तो आज मिलेंगे फिर कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करना है, फैमिली जो है वो आगे बढ़ानी है। अभी तो 5000 के करीब हैं, जल्दी से आप 5000 करवा दीजिए। अभी ये एक दो महीने में ज़्यादा अच्छे खासे व्यूज़ हो रहे हैं, वरना तो बीच में तो बन के भी नहीं कंप्लीट होते थे। लेकिन YouTube चैनल में काम करना हो तो पूरी मेहनत ज़रूरी है, और मैं मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है मैं अभी पूरी मेहनत करता हूँ नहीं, इतना टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि ये एडिटिंग अच्छा होना चाहिए, वीडियो की क्वालिटी खास करके अच्छी होनी चाहिए, वो नहीं होती मेरे वीडियो में, क्योंकि अभी पढ़ाई भी साथ साथ में चलती है तो सब हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो पाता इसलिए। लेकिन आप साथ में रहोगे तो और आगे जाएंगे,
तो मिलेंगे फिर कल के व्लॉग में। ये वीडियो में लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।